अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रंग बिरंगी सी ट्रे। ये आप सोचेंगे अब मैं ये क्या ब्यूटिशन के साथ साथ ये आपको क्या मैं समझाने लगी हूँ। ये मैं आपको कुछ समझाने लगी, एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप यूज़ कर लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आपकी जो आपके मैदे में इंतजाबियत हो जाती है उसकी वजह से खाने के बाद आपको ज़रा अकवर्स फील होता है, या फिर आपको जलन होती है, या फिर आपको आम रूटीन में आपका दिल ख़राब हो रहा है। इवन के जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका भी अक्सर यही प्रॉब्लम होती है। तो उन सब के लिए ये एक छोटी सी टिप है। इसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके लिए आपको ये चाहिए पुदीना। ये मैंने खुश करके रखा हुआ है, मुझे मतलब एसिडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं अक्सर इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो मैंने खुश करके रख लिया है। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके साथ हमें यूज़ करना है 1 चम्मच अनारदाना, ठीक है। ये आप धो के वॉश करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। इसके साथ हमें चाहिए 1/2 चम्मच सौंफ। तो ये अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप इसको बहुत कम मकदार में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकती हैं, अदरवाइज आप इसको कम मकदार में यूज़ करें। 1 लेमन चाहिए हमको। यहाँ पे हमें चाहिए काला नमक। मैंने यहाँ पे व्हाइट इसलिए यूज़ किया, मेरा काला नमक ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी ये बनाने लगी थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। अब इसको बनाने का तरीका ये है, इसमें हमें चाहिए 1 कप पानी, ठीक है। ये मैंने पानी लिया है, इसमें मोस्टली लोग इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं, वो स्प्राइट 7 अप ऐसा कुछ भी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मेरी तरह से नहीं यूज़ करते हैं तो फिर आप इसमें पानी ही यूज़ कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आपने इसको पुदीने को, अनारदाने को और सौंफ को और नमक को और लेमन काट के इसमें इसको यूज़ कर लेना। फिर इसको सबको डाल के ये और आपने इसमें पानी डालना है। पानी डाल के आपने इसको डालना है ग्राइंडर में और इसको आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आप इसमें कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी सी 3-4 चम्मच कोल्ड ड्रिंक डाल के पहले इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, फिर आप पानी ऐड कर लें। अदरवाइज़ आप इसमें कोल्ड ड्रिंक ही यूज़ कर लें, पानी यूज़ ना करें, ये आपकी मर्ज़ी और आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है, बर्फ़ चाहें तो ऐड कर लें, आइस मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं करती। तो आपने ब्लेंड करके इसको छान लेना है। छानने के बाद आप इसको खाने के बाद 1/2 घंटा या खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं, ये आपको इशू नहीं करेगी किसी तरह का। इससे आपका जो दिल मतली कर रहा है वो ठीक हो जाएगा, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, ब्लोटिंग जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आप अगर प्रेगनेंट हैं तो वो जो आपका दिल ख़राब होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं और आप इसको चेक करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो इसको मोस्टली रूटीन में यूज़ करती रहती हूँ और ने भी यूज़ किया है, बहुत से बेनिफिट्स मिले। सारी बेनिफिट्स वाली चीज़ें इसमें देखें, पुदीना, अनारदाना, सौंफ, ये लेमन, ये इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके आपको साइड इफेक्ट्स हों। तो इसको बनाएं, पिएं और मुझे दुआ में याद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।